हाय दोस्तों, वेलकम टू मनीषा व्लॉग्स चैनल। तो ये है पैरी पैरी चिकन जो कि मैं ऑर्डर की हूँ। तो ये ऑलरेडी मैगनेट है, रेडी टू कुक है। ये रेडी रहता है, ऐसे ही रहता है मैगनेट किया हुआ। बस आपको इसको कुक करना है, तो मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे कुक करना है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, बट देख के मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही स्पाइसी होगा डेफिनेटली। और मैं बना के फिर बताऊँगी कि खाने के बाद कि हाँ ये कैसा है। वैसे तो देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसका नाम है पैरी पैरी चिकन। चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो हमें ऑयल ले लेना है और इसको एक एक पीस करके पैन में डाल देना है एज इट इज़। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये कुक हो रहा है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं रखी हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए और अच्छे से गोल्डन इसका ब्राउन कलर आए। ये देखो, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप ट्राई करना पैरी पैरी चिकन। आप शायद घर पे भी बना सकते हैं इसके मसाले, बट मैं ये ऑर्डर की हूँ जो कि रेडी टू कुक रहता है। सिर्फ आपको इसको कुक करना है, फ्राई करना है और इसके बाद में बताती हूँ क्या करना है, दिखाती हूँ वीडियो में। चलिए फिर इसको देखते हैं और टर्न करते हैं। ये हो गया होगा एक साइड से, ये देखिए। इसको आपको टर्न कर लेना है ताकि दूसरे साइड से भी ये अच्छे से पक जाए। ठीक है जी, ये देखो। चलो इसको और पकने देते हैं थोड़ी देर। ओके, इसको मैं टर्न कर दी हूँ, अब ये दूसरे साइड से भी पकेगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, कुरकुरा हो गया। अब हमें लास्ट में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी। हाँ, इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। इसको पानी के साथ थोड़ी देर बॉयल करना है जब तक ये पानी सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। तो जब आप अच्छे से भून लें इसको, आप पानी डाल के थोड़ा सा ढक के पका लें पानी। बस ये रेडी हो गया है, अब इसको चलिए प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो देखने में ही कितना ये यम्मी लग रहा है और इसका टेस्ट, जैसा कि मैं बताई थी कि आपको बाद में एंड में बताऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगा। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। आई होप आप सबको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।